गया सुर के और पूरा गया धाम के कहानी का वर्णन है। आप देखो वहाँ पे सीता कुंड का भी वर्णन है वहाँ पे। यहाँ पे ये जो इनकी छाती पे, ये गया सुराक्षस से इनकी छाती पे भगवान विष्णु ने पैर रख के इन्हें धरती पे से उठने से मना किया है, और इस कारणवश उन्होंने अपना पैर जो है इनके छाती पे रखा, और यही है हमारा विष्णुपद धाम। नाम ही है विष्णु का पद, विष्णुपद धाम, और वहाँ है सीता कुंड का द्वार। और तो हाँ जी दोस्तों, अभी अपने नेक्स्ट वीडियो में देखा था सीता कुंड का वीडियो, तो हम लोग पहुँच गए गया का सेकंड फेमस पैलेस श्री विष्णुपद बेदी गया धाम। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं विष्णुपद मंदिर और इसके जगह जो कुछ जुड़ी रोचक कहानियाँ भी बताएंगे। तो सामने देख रहे हैं ये गेट है, और वो जो पुराना मंदिर और भव्य मंदिर देख रहे हैं वही है विष्णुपद मंदिर। सोने का झंडा है, झंडा पूर्णतः सोने का, उसके ऊपर आप जो झंडा देख रहे हैं वो पूर्णतः सोने का झंडा है। तो चलिए वो अंदर और मिलाते हैं, और देख सकते हैं आप यहाँ पर कितना क्वालिटी भीड़ है, और पूजा पाठ चारों पट्टी हो रहा है, और भीड़ देखते पता कर सकते हैं। और इधर बाइक पार्किंग का और इधर फोर व्हीलर पार्किंग का जगह है, और इधर कुछ खाने के लिए कुछ जगह, और अंदर सामान जो पूजा का सामान होता है, धूप अगरबत्ती जितना भी चीज़ होता है वो मिला जाता है। आप यहाँ से व्यू एंजॉय कीजिए, कितना खतरनाक व्यू ये है और कितना अच्छा से बनाया गया है विष्णुपद मंदिर, वो देख लीजिए। वही विष्णुपद मंदिर है, उससे रोचक कहानी अंदर जाकर बताते हैं। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग विष्णुपद का मेन द्वार पर पहुंच गए हैं, और वो उधर विष्णुपद भव्य विष्णुपद मंदिर। इधर से शमशान की तरफ रास्ता जाता है सीधे, ये देखिए मनीष से बता रहे हैं कि ये रास्ता सीधा शमशान घाट की तरफ है, यहाँ लोग शमशान घाट से उसके बाद सीधे विष्णुपद मंदिर आ सकते हैं पिंडदान करने के लिए। तो जैसा आपने देखा कि मनीष जी ने कितना अच्छा बताया है कि इधर शमशान घाट और इधर विष्णुपद मंदिर के लिए है, तो इधर पूरी तरह से मोबाइल बैटरी क्षेत्र है। जो इतना पूजा का सामग्री होता है वो इधर लेने का है, और यहाँ पर सबसे बड़ा बात कि यहाँ पर मोबाइल बिल्कुल पर अंदर मंदिर में नहीं ले जा सकते हैं। तो चलते हैं अंदर और घुमाते हैं, और देखते हैं कि अगर सक्षम होता है मोबाइल ले जाने के लिए तो मोबाइल उपाय लगाते हैं। हाँ, उपाय लगाते हैं मोबाइल ले जाने का, और आप लोग को दिखाते हैं। चलिए फिलहाल में अभी इधर ही घूमते हैं। यही देवघाट है जहाँ पर पिंडदान होता है, वही घाट पर हम लोग अभी जा रहे हैं, क्योंकि विष्णुपद मंदिर के अंदर में हम लोग किन्हीं लोग को मोबाइल और कैमरा लेके जाने के अंदर है नहीं अलाउ, उधर तो हम लोग लेके जा नहीं सकते हैं। उसको बार बार घूमते हैं और आप लोग को उसके प्रति जो कहानी है वो बताते हैं। ये रहा देवघाट, यहीं पर पिंडदान होता है। तो कह रहे हैं हम लोग पिंडदान कितना देखने के लिए, और कुछ जो व्यू है जो देखते हैं। यहाँ पर आने के बाद आप लोग को छोटा छोटा बहुत सारे ढेर सारे मंदिर मिलेंगे। यहाँ पर मंदिर की जनसंख्या बहुत है, तो आप आइए घूमिए आप भी। ये गया का बहुत अच्छा घूमने का जगह है, बहुत यहाँ पर भीड़ रहता है। और यहाँ पर देख सकते हैं सोमेश्वर महादेव मंदिर। तो हाँ जी दोस्तों, हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं विष्णुपद मंदिर। तो यही जो आप देख रहे हैं यही रहा विष्णुपद मंदिर। इसका कहानी बहुत ही रोचक और बहुत ही खूबसूरत कहानी है, तो वीडियो को स्किप नहीं करें, वीडियो को पूरा देखें। हमारे मनीष भैया ने पूरा विष्णुपद का बहुत अच्छे से जानकारी दिया है, तो बताएंगे। तो चलिए आप लोग वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए। यहाँ पर मोबाइल लेके जाने का अलाउ नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि मोबाइल अंदर चल जाए और आप लोग को पूरा जानकारी दें। पूरा गया सुर के और पूरा गया धाम के कहानी का वर्णन है। आप देखो वहाँ पे सीता कुंड का भी वर्णन है वहाँ पे। यहाँ पे ये जो इनकी छाती पे, ये गया सुराक्षस से इनकी छाती पे भगवान विष्णु ने पैर रख के इन्हें धरती पे से उठने से मना किया है,
और इस कारणवश उन्होंने अपना पैर जो है इनके छाती पर रखा, और यही है हमारा विष्णुपद धाम। नाम ही है विष्णु का पद, विष्णुपद धाम, और वहाँ है सीता कुंड का द्वार। और पूरे गया नगरी बस इतनी ही है हमारे धर्म के अनुसार, इसका पूरा वर्णन सिर्फ एक चित्र में समाहित है, पूरा वर्णन। तो दोस्तों, जैसा हमने आपने देखा कि मनीष भैया ने पूरी जानकारी दिया विष्णुपद के बारे में, और यहाँ तक हमें अच्छा वट भी बना हुआ है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं जिन्हें सीता माता ने आशीर्वाद दिया था इसी मंदिर को, और इस वीडियो को नहीं देखा तो वो भी लिंक में डाल देंगे, वो वीडियो देख लीजिएगा। आइए वहाँ पूरा गया के बारे में, और यही रहा विष्णु पद, जिन्हें क्या जी बोले थे मनीष भैया, सीता कुंड में जो भी हुआ सारा कुछ कहानी उधर सीता कुंड की है। एक गया का कहानी धर्मों में वो आता है, उन्हीं का भाग अक्षय भट्ट, जिन्होंने मतलब सीता माँ को सच बताया, और वह अक्षय वट की पूजा होती है। और यह जो गया सुराक्षस की कहानी है, इस प्रकार है कि गया सुराक्षर को राक्षस को हर दिन एक मृत व्यक्ति चाहिए होता अपना तब भोजन के लिए, तो लेकिन यह बहुत आतंक मचाता था, तो भगवान विष्णु ने इसे अपने पैर के बल से इसकी छाती पर पैर रख दिया और इसे हमेशा के लिए सुला दिया। लेकिन उसके बावजूद भी गया सुराक्षस के पास इतनी शक्ति थी कि वो भगवान विष्णु के चरण को हटा करके वापस खड़ा हो सकता था। इसलिए वरदान स्वरूप गयासुर राक्षस ने मांगा कि हर दिन मेरी छाती पे जहाँ आपने कदम रखा है यहीं से लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो। इसीलिए इसके छाती पे देखो वेदी बना हुआ है, वहाँ पे लोग यज्ञ कर रहे हैं, पिंडदान कर रहे हैं जैसा दिख रहा होगा, और इसीलिए यहाँ पे पिंडदान करोगे तो विष्णु के चरण में पिंडदान करोगे तो तुम सीधा विष्णु के द्वार वैतरणी धाम पहुँच जाओगे। यही महत्व है इस विष्णुपद धाम का, और यहीं पर हम लोग खड़े हैं, यही वो जगह है जहाँ। थैंक यू मनीष भैया, आपने हमें इतना सपोर्ट दिया। शमशान के देवता मसान बाबा के मंदिर के पास, तो आप देख सकते हैं कि सामने हमारा रहा शमशान के देवता मसान बाबा का मंदिर। चलते हैं उसके अंदर, ऑन करते हुए जा सकते हैं, कोई रोक नहीं है यहाँ पर, कोई रोक नहीं है यहाँ पर, हम लोग ऑन करते हुए जा सकते हैं। शमशान घाट इलेक्ट्रिक शेड है इधर, इधर आ शमशान घाट, और इधर रहा मसान बाबा का मंदिर। अभी हम पहुंच गए हैं विष्णु मंदिर से, बाहर निकले हैं विष्णु मंदिर में। हम लोग को किन्हीं लोग को भी अलाउ नहीं है मोबाइल कैमरा या कोई भी कैमरा लेके जाके, तो हम लोग अभी पहुंच गए हैं श्री फल्गु महाआरती देवघाट गया में। तो हिंदू का सबसे प्रसिद्ध घाट यही है, काशी से पुराना शहर हमारा ये गया शहर। अगर जब भी इसे धार्मिक स्थल से नाम लिया जाता है तो सबसे पुराना स्थल यही विष्णु का नाम लिया जाएगा, तो सबसे पहले गया का नाम जाना जाता है। ये जानते हैं मनीष से, मनीष से इसको बताइए गया के बारे में कुछ। जैसे देवघाट में जब तुम्हारा पिंड बहता है तो ये पिंड तुम सीधे निकलोगे विष्णु धाम में, ऐसा मान्यता है कि हिंदू का सबसे पवित्र घाट यही है, क्योंकि ये छोर है हमारे धर्म का। जब सारा जिंदगी का मोह माया खत्म हो जाता है और जब तुम्हारे आगे के संतान तुम्हारा पिंड बहा देते हैं फल्गु में, तो तुम्हारा आत्मा उस दिन इस धरती को छोड़ के सीधे वैतरणी सागर में निकलता है। यही है देवघाट, हर की पौड़ी घाट के बाद हिंदू धर्म का सबसे पवित्र घाट देवघाट। तो देखा दोस्तों, हमारे मनीष ने पूरा इसका गया का व्याख्या किया, और उसके बाद दिखाते हैं ये सब सीन, और आप बता देते हैं सबसे लेटेस्ट अपडेटेड कि यहाँ पर बन रहा है डैम, बन रहा है रबर डैम बन रहा है, ताकि साल भर फल्गु में पानी रहे इसका श्राप से उद्धार करने के लिए, ऐसे बोलो, जिसकी वजह से यहाँ पानी कभी नहीं रहता है। और पिंडदानी भी पिंड करने में बहुत समस्या होता है, तो क्या हुआ है कि सरकार फैसला की है कि फल्गु को श्राप से मुक्त कर दिया जाए, डैम बना दिया जाए, गंगा जी का पानी स्वयं गंगा जी का पानी को इसमें गिराया जाए फल्गु में, और डैम बना के पानी का व्यवस्था यहाँ पे कर दिया जाए, साल भर इस देवघाट पे पानी रहे और फल्गु को भी अपना श्राप से मुक्ति मिल जाए, इसलिए डैम का परिचालन शुरू होगा। और यहीं पे हमारा बनेगा एक लक्ष्मण झूला, राम झूला, जो भारत में सिर्फ दो ऐसे झूले हैं हरिद्वार ऋषिकेश में, उसी के तर्ज पे एकदम वैसा ही लक्ष्मण झूला एक गया में भी बनेगा, जो सीता कुंड और विष्णुपद को मतलब सीता माता का मंदिर और विष्णु प्रभु का मंदिर को सीधा जोड़ेगा, एक लक्ष्मण झूला नाम का जी। तो देखा दोस्तों, हमारे मनीष भैया ने पूरी जानकारी दे दी है यहाँ का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कुछ गलत है तो कमेंट करके बताएं कि उससे हम लोग आगे जाकर सुधार करें। तो जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।